दोस्तों 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक जो है क्या होता है आसान भाषा में। और दोस्तों इस पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर उसको जो है क्या सजा होगी, कितना जो है जुर्माना लगाया जाएगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स 2021 में ही अगस्त में भारत सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जो है बैन कर दिया जाएगा, यानी कि उस पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 19 चीज़ें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक में जो है आती हैं। फ्रेंड्स इसके नाम से ही आपको शो हो रहा होगा कि सिंगल यूज, यानी कि ये जो प्लास्टिक है केवल एक बार उपयोग होती है, उसके बाद में ये फेंक दी जाती है और पर्यावरण को ये प्रदूषित करती है। दोस्तों चिंता की बात इसमें ये रहती है कई सालों तक ये प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स उन 19 चीज़ों में मैं कुछ नाम आपको बता दूं, प्लास्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स और कैरी बैग, पॉलीथिन, खास करके दोस्तों जो 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले, और फ्रेंड्स जो कैंडी स्टिक आती हैं, जो आजकल दोस्तों प्लेट चल रही है प्लास्टिक की, आपने देखा होगा केक काटने के लिए जो जो चाकू चलता है, और भी दोस्तों ऐसी चीज़ें जो केवल एक बार उपयोग करके फेंक दी जाती हैं, ऐसी 19 चीज़ें हैं जिन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं बैनर 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले, फ्रेंड्स इसके लिए यदि कोई व्यक्ति इसका दोषी पाया जाता है तो उस पर जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का कानून है, उसके अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी, और उसका जो सेक्शन 15 है उसके तहत ये कार्रवाई होगी। उसमें दोस्तों 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या फिर 5 साल तक की सजा, या फिर दोनों जो है हो सकती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर कौन से कानून, क्या सजा होगी। सजा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या फिर 5 साल तक की सजा, या फिर दोनों जो है हो सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद।